अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस राबिया फ्रॉम क्लास KG ब्लू। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर मैथ्स वर्क, सो प्लीज़ टेक आउट योर मैथ टू कॉपी। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर मिसिंग नंबर शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डेट हेयर। टुडे इज 9/12। देन राइट CW हेयर एंड देन डे। टुडे इज वेडनेसडे, WEDNESDAY डे, वेडनेसडे। ओके, नाउ रीड द हेडिंग विद मी। द हेडिंग इज फिल इन द मिसिंग नंबर्स। रीड इट अगेन, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। रीड वन मोर टाइम, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। इट मीन्स कि हम लोगों ने मिसिंग नंबर्स करने हैं, जो नंबर्स यहाँ से मिस हुए हैं हमने उनको फिल करना है, जैसे हम लोगों ने अपने प्रीवियस काम में किया था। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या राइट हुआ है। 301 के बाद क्या आता है, 302 के बाद 304 के बाद 305 देन 306 के बाद 307 के बाद 308 309 के बाद 310। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने काउंट करते जाना है और यहाँ पर अपनी जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको राइट करना है। इसी तरह से आपने तमाम मिसिंग नंबर्स राइट करने के बाद यहाँ पर आकर 350 पर स्टॉप कर देना है, ठीक है। 350 पर आके आपके मिसिंग नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में भी ये किया हुआ है नंबर्स और आपको ये आते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपनी मेज़ वर्कबुक पे। सो प्लीज़ टेक आउट योर मेज़ मैथ वर्कबुक एंड टेक आउट पेज नंबर 87। पेज नंबर 87 पर आज एडिशन सम्स हम लोगों ने करने हैं। सबसे पहले हम लोग अपने आइकन्स को रीड करते हैं। हमारा फर्स्ट आइकन है काउंट, ऐड एंड राइट। इसका मतलब है कि हम लोगों ने सबसे पहले जो हमें यहाँ पर पिक्चर्स दी हैं उनको काउंट करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे और यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डेट हियर। टुडे इज 8/12। सॉरी स्टूडेंट्स, टुडे इज 9/12। ओके, आफ्टर दैट वी विल राइट डे हियर। टुडे इज वेडनेसडे, WEDNESDAY डे, वेडनेसडे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने पिक्चर को देखेंगे कि यहाँ पर कितनी पिक्चर्स दी हुई हैं। यहाँ पर 3 काउज दी हुई हैं। यहाँ पर राइट हुआ है 1+2। आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक स्लांट लगाई हुई है लाइन, यहाँ पर एक स्लैश की तरह की लाइन दी हुई है और यहाँ पर इस लाइन के इस साइड पे 1 काउ है और यहाँ पर 2 काउज हैं। जैसे यहाँ पर 1+2 राइट हुआ है, इसी तरह उन्होंने पिक्चर्स भी बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग दी हुई हैं। हमने इनको काउंट करना है 1, 2, 3। 1+2, 3। 1+2, 3। यहाँ पर उन्होंने आंसर हमें राइट करके दिखाया है। अब यहाँ पर लैंप्स दिए हुए हैं, हम लैंप्स को काउंट करेंगे। सबसे पहले हम नीचे देखेंगे, नीचे नंबर्स क्या दिए हैं, 3+3। यहाँ पर देख रहे हैं आपने लैंप्स भी, उन्होंने 3 लैंप्स इस साइड पर दिए हैं और 3 लैंप्स इस साइड पर दिए हैं। अब हमने इनको काउंट करना है, तो लेट्स स्टार्ट द काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हो गए ये? यस, 3+3, 6। 3+3, 6। 3+3, 6। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कैंस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इन कैंस को काउंट करना है। सबसे पहले यहाँ पर 1, 2 कैंस और यहाँ पर 1, 2 एंड 3। 2+3, 5। 2+3, 5। एक दफ़ा हम इनको काउंट करके भी देख लेते हैं, क्या 5 ही आंसर है? 1, 2, 3, 4, 5। यस, 5 ही आंसर है इसका, 2+3, 5। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, ये आप लोग रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको उस दिन
ग्लू स्टिक्स के साथ बताया था, आप अपनी कलर पेंसिल्स के साथ कर सकते हैं। आप लोग घर में, आपके पास एप्पल्स पड़े हैं, कोई भी फ्रूट है, आप उसको भी काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एडिशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इन पिक्चर्स में कलर भी करना है और इसको काउंट करके राइट भी करना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपने, प्यारा प्यारा काम करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।